नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इनके द्वारा हाल ही में एक भर्ती का जो फाइनल जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है। और अगर आप अपना फाइनल रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप या इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें ये आपकी महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 1219, और ये आपकी पोस्ट है। फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशर ऑपरेटर प्रैक्टिकल डेस्कटॉप पब्लिशर ऑपरेटर थ्योरी एंड लिथो ऑफसिस्ट मशीन माइंडर इंस्ट्रक्टर थ्योरी। एडवर्टाइजमेंट 1219 है और कैटेगरी नंबर 33, 43 और 57 में। और डाउनलोड करने का जो लिंक है ये यहाँ पर है, और जैसे जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी अनाउंसमेंट फाइनल ये रिजल्ट है। पोस्ट आपकी ये रहेगी डेस्कटॉप पब्लिशर ऑपरेटर की, और ये आपकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, और ये है आपकी कैटेगरी 33, 43 और 57। ऑन द बेसिक ऑफ रिटन एग्जाम, स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट, साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, और इन सभी को मिलाकर जो आपकी ये पोस्ट जो है इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट हैज बीन सो कैटेगरी वाइज एंड रोल नंबर वाइज एंड मार्क्स स्कोर बाय द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी हैव बीन शो इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह और कितनी पोस्ट थी। तो जनरल की 2 पोस्ट थी यहाँ पर, कैटेगरी 43+3 पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 57, तो 5 पोस्ट थी यहाँ पर। और ये रोल नंबर हैं, और कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 72 पर गई है। उसके बाद वेटिंग वाले भी हैं, इनकी गई है 64 पर। और इनमें से भी एक पोस्ट जनरल कैटेगरी कैटेगरी नंबर 33 रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेबल कैंडिडेट। तो ये 5 वैकेंसी थी, इनमें से भी एक ये जो 33 नंबर वाली जो पोस्ट है ये आपकी खाली रह गई है, क्योंकि इसके लिए जो स्टेबल जो कैंडिडेट है वो नहीं मिला है। तो देख सकते हैं कितनी वैकेंसी थी और इनमें से भी ये कैंडिडेट नहीं मिला है। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताया गया है, 90 नंबर का एग्ज़ाम था, 10 नंबर साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के हैं, टोटल 10 जो है यहाँ पर 100 मार्क्स है। और कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इसमें कही गई है, तो अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर फेंक पाया जाता है उसका कैंडिडेचर यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। और ऑल अबो कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट कमीशन ऑफिस ऑन 15/9/2022 फॉर फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये जहाँ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें, तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 15 तारीख को उनको बुलाया गया है। ऑल अबो कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट कमीशन ऑफिस ऑन 15/9/2022 फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट। तो प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, अब इनकी शीघ्र ही जो नियुक्ति हो जाएगी। तो ये आपका जो रिजल्ट है ये आया है। तो यही जो हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और जो आज और जो यहाँ पर नई जो महत्वपूर्ण अपडेट आई थी अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें जो है आप आज की जो और HSC के द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट दी गई थी वो आप उसमें देख सकते हैं। तो यही जो वैकेंसी अपडेट थी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।